दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो जो मेरी होने वाली है बहुतों के लिए काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है जो मैं आपसे शेयर आज करने वाला हूँ। बहुतों के लिए हो सकता है कुछ भी ना हो, बट मुझे विश्वास है कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक्सपीरियंस बहुत डरावना होगा अगर उसके साथ ऐसा कभी होता है तो। मैंने एक वीडियो शेयर की थी कारकाडूमा वाली और एक हॉन्टेड बेसमेंट वाली विथ सम विजुअल्स जो सीसीटीवी से हमने कैप्चर किया था। वो मेरा कहा जाए तो गौरव भाई के साथ सबसे अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टिगेशंस में सबको काउंट किया जाता है, चाहे वो हो चाहे कुलधरा का हो। कुलधरा का हमारे पास उतना फुटेज नहीं है क्योंकि वो हम आज तक के बिहाफ पर दो बार वहाँ जा चुके हैं, आज तक के बिहाफ पर एक बार जी के, तो वो हमें अलाउड नहीं था कि हम अपनी वीडियोग्राफी वगैरह करें वहाँ पर। ये जो मैं आपसे शेयर आज करने जा रहा हूँ ये पता है, ये जीटी भाई के जाने के बाद, मतलब मेरी सोलो इन्वेस्टिगेशन थी ये, और उससे पहले मैंने अपने कुछ घर पे ही देखा था बट इतना स्ट्रांग नहीं देखा था कभी जो वहाँ देखा। चलिए बात शुरू करता हूँ। मेरे पास एक कॉल आता है 2017 में दिल्ली एनसीआर से एक लेडी का कि उनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उनके दो बच्चे काफ़ी डरते हैं वो। तो मुझे लगा कि ये तो कॉमन बात है, हर लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे लोग कहते हैं प्रॉब्लम है, डर लगता है, बट रीज़न वो पैरानॉर्मल ना होंगे, कुछ और होता है। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट पैरानॉर्मल, 99% केसेस आर रैदर साइकोलॉजिकल, वो पैरानॉर्मल नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हैं, तो उन्होंने अपना प्रोफेशन बताया कि वो डॉक्टर हैं, लेडी ने बताया। जब मैंने सुना डॉक्टर है तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे ये, या किसी से जल्दी कन्विंस नहीं होंगे ये। मैंने बोला ठीक है मैं विजिट करूँगा वहाँ। तो एक दिन प्लान बना करके फिर हमने वहाँ पर विजिट किया, फिर उनसे पूरी बात पूछी। वो उनका रेंटेड फ्लैट था। उन्होंने ये कहा जब से यहाँ आए हैं पहले बहुत लाइट होता था, कुछ लगता था कोई नींद में उठा दिया किसी ने, कि जब उन्होंने ये बताया कि जब वो आए थे तो काफ़ी लाइट था, वो उनको लगता था कि जब सोए हैं किसी ने उठा दिया, ज़्यादातर उनके साथ ये था। बट धीरे धीरे ना चीज़ें बिगड़ती गई। मीन्स उन्होंने देखा कि उनका जो हॉल है, हॉल का पर्दा सुबह में खुला हुआ होता है और वो जो विंडोज़ था बड़ा वो ईस्ट की साइड फेस करता था। तो नेचुरली लोगों में आदत होती है जो सुबह उठते हैं तो वो पर्दा हटा देते ताकि सनलाइट अंदर आ सके, जबकि वो नहीं करती थी। उनका कहना था कि ये हमेशा जब सुबह उठती है तो वो मिलता है। दूसरी चीज़ उन्होंने एक और बात बताई जिसको मैं भी सुन के थोड़ा सा चौंक गया कि डाइनिंग टेबल पे चीज़ें बिल्कुल अरेंज्ड मिलती है, जैसे उनकी बच्चियाँ कभी कभी डाइनिंग टेबल पे पढ़ के स्टडी भी करती थी तो पेंस वगैरह वहाँ होते थे, तो पेंस वगैरह बिल्कुल अरेंज होते थे, चम्मच वगैरह अरेंज करके रखे हुए होते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया है। चलिए ये भी ठीक है। डरावना ये होता है उनके साथ कि किचन से काम करके आते थे और वो लोग खा रहे होते थे तो लगता था किसी ने किचन से कुछ बाहर फेंक दिया है, लाइक कुछ स्टील का ग्लास या कुछ ऐसा। एक बार उनकी एक बेटी के ऊपर छोटे साइज़ का कोई टेबल था, छोटे साइज़ का टेबल था, वो पलट गया था और छोटी बच्ची थी बेचारी, वो बहुत डर गई। फिर उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने पंडित को भी बुलाया था, मौलाना को भी बुलाया था, अच्छे खासे उनके पैसे भी खर्च हुए थे, हवन भी करवाया, सब कुछ करवाया, मौलाना साहब आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कुछ वहाँ किया। तो उनका कहना है कि एक सप्ताह तक तो लगा कि हमें रिलीफ है, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब तो वहाँ रहना मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ। मुझे जो फील हुआ था वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, मुझे जो जाते ही वहाँ फील हुआ था उस घर के अंदर, और एट दैट टाइम शायद वो वहाँ रह नहीं रहे थे, वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे, अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी वो। तो बाकायदा जब मैं वहाँ गया था तो उन्होंने चाबी से वेट कर रही थी वो, और चाबी से दरवाज़ा खोला था उस फ्लैट का, फिर हम अंदर गए। अंदर जाते ही जब लाइट्स वगैरह जला, मुझे ना एक अजीब सा एहसास हुआ था वहाँ पे, फॉग मतलब कोहरा टाइप। मीन्स लाइट तो अच्छी खासी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डार्कनेस डार्कनेस सा कुछ फील हो रहा था वहाँ पे।
यार मुझे लगा हो सकता है, मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ इतनी दूर से, हो सकता है आई फैटिग है इसके कारण मुझे लग रहा होगा, क्योंकि मैं जल्दी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बहुत जल्दी मैं नहीं जंप करता हूँ, कभी भी मेरी आदत है। खैर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद हॉल पे तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, बट उनका जो कमरा था जहाँ ये लोग सोते थे वहाँ पे काफ़ी कुछ मिला। जो मिला वो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आप इसके बाद देखेंगे इस क्लिप में क्या मिला था वहाँ। पहला ये, और वहाँ जो मेरे साथ हुआ था वो काफ़ी डरावना था। मैं एनर्जी को डिफाइन करता हूँ, किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, किसी में बहुत फीबल स्ट्रेंथ होता है, कि वो बहुत मुश्किल से कुछ कम्युनिकेट कर पाती है, इंडिकेट कर पाती है, बट कई एनर्जीज ऐसी होती हैं, हालांकि बड़ा रेयर मिला है मुझे ऐसा सब कुछ, कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर देती है बहुत जल्दी, लाइक दरवाज़ा बंद कर देना, लॉक कर देना, लाइट्स ऑफ कर देना। तो अभी आप देखेंगे इस फुटेज में, यहाँ इसे आगे की फुटेज में देखेंगे वहां हमें जो मिला था। कर्टेंस को भी आप खोल देते हैं कई बार, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। आप वही मैरिड लेडी हैं ना जिन जिनकी डेथ हुई थी। ये दरवाजा आपने खोला? हाँ वेरी गुड। मैं आपको रोशनी की तरफ भेजना चाहता हूँ और आज मैं चला जाऊंगा यहाँ से। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद दोबारा आपसे कोई और बात ना करे। ये कर्टेंस भी आप सुबह में खोलते हो या कोशिश करते हो? मतलब आप यहां इस घर पे रह चुके हैं। जब आप इस घर पे रहते थे तो क्या आप उस वक्त मैरिड थे या आप अनमैरिड थे? तो अब आपको लगता है कि इस घर में आप आराम से रह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यहां बच्चे रह रहे हैं छोटे छोटे, और वो डर रहे हैं। आप क्यों नहीं चले जाते? ये किचन से कोई निकल करके एक बार उस रूम में गया था, उस बेडरूम में सुना मैंने ऐसा। आप थे क्या? हो उनकी बेटी हैं? देखिए ऐसे मुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे इंडिकेटिव लाइट्स चाहिए। अगर आप उनकी बेटी हैं तो 3 या 4 लाइट। एक बार और 3 या 4 बत्ती जला के बताइए। क्या आपके नाम से प्रॉपर्टी है? आप चाहते हैं हम आपकी मदद करें, आप लाइट की तरफ जाएं? आप यहां फंस कर रह गए हैं। आप इस प्रॉपर्टी से अटैच होकर रह गए हैं, आप यहां पे फंस कर रह गए हैं। आपकी डेथ कैसी हुई थी, आप अगर कुछ कहना चाहें तो इस पे कह सकते हैं।
दोस्तों आपने जो भी सुना है इस पे वो 100% रियल इंसिडेंट पे है, ये हमने किया था इस पे इन्वेस्टिगेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने तो कहानी कुछ बता दी कि ऐसा होता था वैसा होता था, एक दो पैरानॉर्मल क्लिप्स दिखा दिया, बाकी कुछ बताया नहीं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ये सेकेंड पार्ट में मैं आऊँगा और आपको थॉरली अच्छे से समझाऊँगा ये जो मेरे पास क्लिप्स हैं ना इन्वेस्टिगेशंस की, स्लो करके जो भी मुझे आइडिया है, जो मुझे आता है मैं आपको समझाऊँगा कहाँ पे क्या है और क्यों हुआ ऐसा। और रही बात, अब ये बताऊँगा तो जो मैं जानता हूँ कि हाँ ऐसा यहाँ क्यों होता था, इसके पीछे स्टोरी क्या थी, आखिर कौन से ऐसे स्पिरिट वहाँ पे वैसा कुछ कर रही थी कि कोई भी उस मकान में रह नहीं पाता था, टिक नहीं पाता था। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मैंने काफ़ी हिस्ट्री वगैरह निकाली थी उसकी, उस मकान की। और मेरे पास एक्चुअली इसके तो और भी बहुत सारे क्लिप्स थे, बट वो मैं अपलोड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसमें विक्टिम का फेस और वो कुछ बोल रही हैं तो वो भी रिकॉर्ड हुआ है, जो कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि ये पब्लिक में आए। हालांकि उन्होंने मुझे मना कर रखा था कि आप सर इस वीडियो को लेकर के पब्लिक में मत आना। तो ये एक पैरा इन्वेस्टिगेटर के साथ बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि वो किसी के घर पे जाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझ लीजिए 98% लोग मना कर देते हैं कि नहीं हमारे कोई फुटेज जो है घर की, चाहे पैरा हो या कुछ भी हो, आप उसको पब्लिक मत करना, हमारे बारे मत बताना, तो हमें मानना पड़ता है। लेकिन इस इंसिडेंट को काफ़ी टाइम हो गया है और जहाँ तक मुझे अपडेट है कि वो फ्लैट अब तक ही खाली है जो मैं जानता हूँ। तो सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, रियल इंसिडेंट पे, इस पे कोई स्टोरी नहीं है। थैंक यू।